बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 5, हॉर्सेज विद स्ट्रिप्स। वी हैव डन वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स सेंटेंसेस एंड ऑल्सो रीडिंग ऑफ दिस लेसन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। Today we will do question answers of this lesson. Dear students, open your workbook of English class 3. Page number 16 and 17. Dear students, first of all write date and day on top of the page, on both pages. क्लास वर्क एंड होमवर्क, आपने क्लास वर्क और होमवर्क दोनों पेजेस जो है करने हैं। क्लास वर्क का पेज मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ और होमवर्क का पेज मैं आपके सामने लिखूँगी। पहले मैं ये क्वेश्चंस और आंसर आपको पढ़ के समझा देती हूँ, देन मैं इस पेज पे आपको लिखवाऊँगी तो आपने मेरे साथ साथ लिखना है। देन मैं कैमरा को जूम कर लूँगी ताकि आपको लिखने में समझ आए। अभी जो है आपको देखने में अभी इस तरह से आपको नज़र भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ, आपने बस उसको सुनना है एंड देन नेक्स्ट पेज पे आपने वॉच करना है और साथ साथ लिखना है। लेसन नंबर 5, हॉर्सेज विद स्ट्रिप्स, धारियों के साथ घोड़े। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, कौन सा जानवर है जिसके जिस्म पर धारियाँ होती हैं? ज़ेब्रा हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। द आंसर इज ज़ेब्रा वो जानवर है जिसके जिस्म पर धारियाँ होती हैं, यानी कि मोटी लकीरें। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल इज ऑलवेज डिज़ायरस टू प्री ज़ेब्रा। पी आर ई वाई, प्री का मतलब होता है शिकार करना, डिज़ायरस का मतलब होता है ख्वाहिशमंद। कौन सा जानवर है जो हमेशा ज़ेब्रा का शिकार करने का ख्वाहिशमंद रहता है? लाइन इज ऑलवेज डिज़ायरस टू प्री ज़ेब्रा, शेर हमेशा ज़ेब्रा का शिकार करने का ख्वाहिशमंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू अ ज़ेब्राज स्ट्रिप्स प्रोटेक्ट देम इन द वुड्स? WOODS, वुड्स, वैसे तो वुड लकड़ी होती है लेकिन यहाँ वुड्स का मायने आएगा जंगल। ज़ेब्रा की जो मोटी धारियाँ हैं वो जंगलों में किस तरह उसकी हिफाजत करती हैं, उसको महफूज करती हैं? देयर स्ट्रिप्स मेक देम इनविजिबल, इनकी जो मोटी धारियाँ हैं इनको इनविजिबल कर देती हैं, यानी कि गायब कर देती हैं। सचमुच गायब नहीं कर देती, कहने का मतलब है इनकी धारियों की वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द ज़ेब्राज नॉट इन डेंजर? Why are the zebras not in danger? जो ज़ेब्रा हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरे में क्यों नहीं होते, जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरे में क्यों नहीं होते उनकी जान? बिकॉज दे आर नॉट नाइस टू ईट, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंट्री द ज़ेब्राज आर फाउंड अलॉट? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर ज़ेब्रा बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन अफ्रीका, तो वो मुल्क का क्या नाम है? अफ्रीका। चले लेट्स स्टार्ट अवर वर्क, होल्ड योर पेंसिल्स एंड ऑल्सो शॉर्प योर पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी? ज़ेब्रा, जेड ई बी आर ए, ज़ेब्रा has strips on his body. Zebra has strips on his body. Question number 2, which animal is always desirous to prey? Zebra. इसमें S T R I P E S, strips, B O D Y, body spelling में पढ़ देती हूँ आपको। नंबर 2, लाइन एल आई ओ एन, लाइन इज ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, लाइन इज ऑलवेज डिजायरस, डी ई आर आई डी ई
DESIROUS, desirous. Line is always desirous to free zebras. ZEBRA, zebra. Line is always desirous to free zebra. Question number 3. How do a zebra strips protect them in the woods? Their strips STRAPES strips, their strips make them invisible their strips make them invisible. इसकी जो धारियाँ हैं इसको गायब कर देती हैं, देखने में मुश्किल होती है. Why are the zebra not in danger? BECAUSE because THEY they are not 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 nice 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 to eat TO2 EAT eat because they are not nice to eat क्योंकि ये खाने में इतने मज़ेदार नहीं होते. Question number 5 and last question. In which country the zebras are found a lot? They are found, FOUND, found in Africa. AFRICA, full stop, Africa. They are found in Africa. Repeat kar lete questions. Question number 1. Which animal has strips on his body? Zebra has strips on his body. Which animal is always desirous to free zebra? Zebra ka shikar karne ka khwahishmand kaun sa janwar hai? Lion is always desirous to free zebra. Hamesha sher iska khwahishmand rehta hai. How do a zebra strips protect them in woods? Zebra ki jo moti dhariyan kis tarah usko mehfooz rakhti janglon mein? Their strips make them invisible. Question number 4. Why are the zebra not in danger? Because they are not nice to eat. क्यों वो खतरे में नहीं? क्योंकि इनका जायका इतना है कि खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते. Question number 5. In which country the zebra are found a lot? किस मुल्क में ज़ेब्रा ज़्यादा पाया जाता है? They are found in Africa. ये अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है. Next page number 18. Write the names of 6 animals that have hooves. ये आपने उस दिन बुक पे भी किया था डियर स्टूडेंट्स. ऐसे 6 जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके हूव्स होते हैं. जैसे कि घोड़े के पाँव के नीचे का हिस्सा देखा है ना आपने, सख्त हिस्सा होता है, उस तरह के उसको बोलते हैं हूव्स. राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके हूव्स होते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा नंबर 1 कैमल, CAMEL कैमल. और नंबर 2 पे आएगा COW काउ. नंबर 3 पे आएगा गॉट, GOAT गॉट बकरी. नंबर 4 हॉर्स, HORSE हॉर्स. नंबर 5 ज़ेब्रा.
नंबर 6 डोंकी। ये 6 वो जानवर हैं जिनके पैरों में पैर जो है नीचे से सख्त होते हैं, सम टाइप होते हैं। राइट 5 एनिमल्स दैट हैव हॉर्न। ऐसे 5 जानवर के नाम लिखने हैं जिनके सींग होते हैं। तो नंबर 1 आ जाएगा बुल, BULL बुल, भैंस, GOAT गॉट बकरी, DEER डियर हिरन, LAMB लैम बफलो, BUFFALO बफलो। विच एनिमल्स हैव अ स्मॉल टेल, कौन से जानवर जिनकी छोटी छोटी सी दुम होती है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी, उनके जिस्म के हिसाब से छोटी होती है। नंबर 1 डॉग, इनके बॉडी के हिसाब से इनकी जो दुम है वो छोटी होती है। लाइन, कैट, एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, गॉट, GOAT गॉट। जी स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने करना क्या है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को और इस पेज को याद कर लेना, और ये जो कलरिंग एरिया है यहाँ पे आपने कलर लाजमी करने हैं, जैसे यहाँ पे भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे कलरिंग एरिया, इन सारे काम को आपने लिखना है और याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टास्क के साथ आपसे अगेन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।